ये वीडियो के बाद मैक्सिमम जनता में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टॉपिक पे आपको एक्चुअली में काम करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मार्क्स आपके लूज होंगे, मतलब मार्क्स नहीं बनेंगे वहाँ पे, ये हर साल मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ होता है। तो मैं 10 ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ से रफली 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और ये सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पे अपना स्कोर नहीं बनता है, मैक्सिमम जनता का स्कोर नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप MS Law CET 3 ईयर्स 2024 या 2025 टारगेट कर रहे हो, सो जो जो मैं बताने वाला इस वीडियो में उसको डेफिनेटली फॉलो करना, उस टॉपिक पे काम करना। CET का जो पैटर्न है लास्ट 2 ईयर से चेंज हुआ है, 2022 एंड 2023 में काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं। सो वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। और एंड बिफोर आई प्रोसीड, इन केस यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वॉन्ट टू ज्वाइन एस, अगर आप मुंबई में हो तो यू कैन ज्वाइन एस फॉर द क्लासरूम कोचिंग, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी एंड वसई। बट अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। बाकी अगर आपको मॉक चाहिए, टेस्ट चाहिए, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो manuvalue.com/lawentrance पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। एंड यार वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये वीडियो मेनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। बट अगर आप ये वीडियो मेनुअल के मेन चैनल, मेनुअल एजुकेशन के मेन चैनल पे देख रहे हो, तो इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से आपके 6 टॉपिक्स हैं जहाँ पे स्कोर बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, यार ट्रिकी होता है क्वेश्चन या पूछने का तरीका अलग होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग वाले टॉपिक है। सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन एक टाइम था कि बहुत कम आते थे, अब लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन आना चालू हो गया है। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कंक्लूजन, ये 3 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, बट उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछ लिया एंड इन्फ्रेंस, तो ये 6 टॉपिक आपको अच्छे से क्रिटिकल से करने पड़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में रफली 3 to 4 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट पजल, ठीक है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है यार मैं 3 ईयर्स में तो मैथ्स का सिलेबस है ही नहीं, ठीक है, तो आने वाला नहीं है मैथ्स। इन माई ऑल द लेक्चर्स मैं सबको रिकमेंड करता हूँ स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स तो आपको करना ही करना है विदाउट फेल, सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, ये नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, और इस साल तो उन्होंने हद पार कर दी। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जो कि मैथ्स का पार्ट है, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, ऑल दो क्वेश्चन वॉज वेरी पप्पू, बट अगर आपका बेसिक मैथ्स भी नहीं है तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 10 के आसपास क्वेश्चन, 10+ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट अरेंजमेंट पजल से। इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, देखो ये मैथ्स वाला टॉपिक है, थोड़ा मैथ थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगा, सिलॉजिज्म, ये पूरे टॉपिक को मिलाएंगे तो 5+ क्वेश्चन, ठीक है। तो रफली ये जो आपके 6 टॉपिक्स है ये 20 के आसपास मार्क्स ले रहे हैं, मतलब यहाँ से 20 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे आपके एक्चुअल एग्जाम में। बाकी भी लॉजिक के दूसरे टॉपिक है, वहाँ से भी आएंगे, बट हाँ 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं जो कि चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा केयरफुल होके ये 6 टॉपिक पे तो फोकस करना ही करना, अपार्ट फ्रॉम लाइक आपका नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, अल्फाबेट, टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, वो सब पे तो आपको काम करना ही करना है, ठीक है। ऑल दिस आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज लास्ट 7 ईयर्स से आई एम राइटिंग सीटी, 2017 से लेकर टिल नाउ, मतलब 2023 तक का सीटी में लिखा हुआ है। सो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 ईयर, ठीक है, और हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। तो आपके मेन्यूअर के मॉक में, आपके टीचिंग करिकुलम में एंड जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे, एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा और भी मेरे वीडियोस आते जाएंगे विद रिगार्ड टू दी टॉपिक, किस पे फोकस करना है, ठीक है। सो अगर आपको GLC मुंबई, INS पुणे जाना है, ठीक है, तो आपको ये वाले टॉपिक पे ध्यान देना होगा। इफ़ यू हैव ज्वाइन मैंने वो लाइव और क्लासरूम, जो भी आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो शॉर्टकट्स तो आपको भर भर के मिलेंगे, प्लस जितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऑल टाइप्स गेट कवर्ड, ठीक है। ये हो गया लॉजिक, अब आते हैं इंग्लिश पे। 60 to 70% जनता का स्कोर इंग्लिश के सेक्शन में नहीं आता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है रीडिंग हैबिट है ही नहीं, वी आर रिलक्टेंट टू रीड, अपने को रीड करना नहीं आता, अपने को पाल लगाना आता है मोबाइल के ऊपर, शॉर्ट्स, रील स्क्रॉल करते हुए, वो उस सब में हम टाइम वेस्ट अच्छा खासा कर लेते हैं, उसमें अच्छा खासा हमारा
ग्रिपिंग भी है, बट रीडिंग में वी आर जीरो। तो अगर आप रीड नहीं कर रहे हो देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है भाई, न्यूज़पेपर रीडिंग तो चालू कर देना। मेरे पहले लेक्चर में ही मैं ये चीज़ बोलता हूँ भाई, न्यूज़पेपर चालू कर, पेज वन एंड एडिटोरियल, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है अपने को। सो इंग्लिश आपको इसलिए इम्प्रूव नहीं करनी है कि आपको एंट्रेंस लिखना है, वो तो है ही, प्लस आपके आगे करियर में, लाइफ में भी यू आर गोइंग टू द लॉ ऑफ फील्ड राइट, तो वहाँ पे भी इंग्लिश लगेगी। ओके सो कॉम्प्रिहेंशन 15+ क्वेश्चन यहाँ से, वोकैब 15+ क्वेश्चन यहाँ से। तो इसको लेकर तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि एक एक आरसी, दो दो आरसी डेली का प्रैक्टिस करना चालू कर दो। मैन्यूअल के डैशबोर्ड पे पहले वीडियो देख लो, फिर आपके बुक में क्वेश्चन है और आपके डैशबोर्ड पे भी 500 क्वेश्चन का हैंडआउट है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन, ऑथर मेन आइडिया क्या पूछ रहा है, ठीक है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स नहीं बनते, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपको रीड करके पैराग्राफ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार बोल क्या रहा है ऑथर, देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है, वोकैब, देर आर लैक्स ऑफ वोकैब इन द डिक्शनरी, सबका मतलब याद होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने इसके लिए वर्ड पावर मेड इजी बुक रिकमेंड की थी आपको। अब आप में से कितने लोग ने चालू की है आई डोंट नो, बट हाँ ये आपको करने की ज़रूरत है। इसके सारे वीडियो, इसके अंदर 45 सेशंस हैं, इसके सारे वीडियो मैनुअल के डैशबोर्ड पे आपको सितंबर से मिल जाएंगे। यू कैन वॉच दोस वीडियोस, प्लस ये बुक को भी गो थ्रू करना है। यहाँ पे 60-70% जनता का स्कोर नहीं आता है गाइस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लॉजिक से आपके आएंगे 30 और इंग्लिश में 50। यहाँ पे अगर आपने 40+ हिट किया तो मतलब भाई आपने फोड़ा है। प्रॉब्लम होता है हमारा 20 मार्क्स आता है, 25 मार्क्स आता है, हम मुश्किल से 30 टच कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप 40-45 लेके आ रहे हो तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर है इंग्लिश के, और स्कोरिंग भी है। बट इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके अंदर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लेंदी आता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स नहीं बनता। तो रीडिंग हैबिट होगी तो फटाफट आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, 2023 में तो ऐसे ऐसे वो कैप पूछे थे जो मैंने भी पहली बार देखे थे, मतलब आई डोंट नो व्हाट दे हैड आस्क, और अलग ही लेवल का वो कैप था, वो पता नहीं कहाँ से पिक किया था सीटी सेल ने। तो भाई थोड़ा सा एडवांस लेवल वो कैप करके रखो, बट फिर भी आपको एक से दो वो कैप ऐसे मिलेंगे जो कि मतलब बहुत ही अलग ही टाइप के होंगे, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको ये वर्ड है, कोई चाइनीज टाइप के वर्ड दिख रहे थे। तो सीटी सेल ने लास्ट 2 ईयर का पेपर जो बनाया हुआ है कुछ सेक्शन को लेकर बहुत अलग ही, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन द क्वेश्चन, आइडली वर्ड पर मेडिजी से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये कर लेना। ठीक है, यहाँ पे स्कोर नहीं बनने का, कि वोकैब में स्कोर नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न है वर्ड पावर मेडिज, तो हमने किया ही नहीं, सर ने इतने बार बताया बट हम तो नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड है हमारा, तो फिर स्कोर कहाँ से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे तो हद पार की है सीटी सेल ने, मतलब करंट अफेयर्स तो उन्होंने भूल गए कि भाई ये पूछना भी होता है करंट अफेयर्स। तो यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए थे, मेजर क्वेश्चन आपके थे स्टैटिक्स से। अब इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर ये सब आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा इसको, एंड इट इज़ अ वास्ट एरिया, क्या पढ़ू, कितना पढ़ू, कैसे पढ़ू, इसको लेके ऑलरेडी वी हैव मेड द वीडियो 24 को लेके, सीरीज भी चल रही है, आप वो वीडियो देख लो। बाकी आपके डैशबोर्ड पे सारे वीडियो, सारे हैंड आउट्स, प्लस आपकी जो मेन्यूअल की बुक है, मोर देन सफिशियंट। इसके साथ साथ आई रिकमेंड लूसेंट। ठीक है, ये स्टैटिक जीके से आप ये समझ लो कि रफली 30+ आउट ऑफ 40, 30+ क्वेश्चन खाली आपका स्टैटिक का पार्ट है। तो ये लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड है जीके को लेके, हर स्लॉट में वेरी कर रहा है, बट हाँ 25 से 30 क्वेश्चन आप प्लस बोल सकते हो आउट ऑफ 40, इट इज़ फ्रॉम द स्टैटिक जीके, और पूछ क्या रहे हैं पॉलिटी वाले क्वेश्चन, मेजरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, सेम थिंग हैपन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी 10+ क्वेश्चन जो लीगल में आया था। ठीक है, सो कंबाइंड अगर आप करोगे तो रफली 90+ विच इज नथिंग बट 100 के आसपास मार्क्स सीटी के ऐसे टॉपिक से आने वाले हैं जो कि आपको प्रॉब्लम देने वाला है, और यहाँ पे मैक्सिमम जनता का स्कोर नहीं बनता है। तो मैंने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए, 10 टॉपिक्स टोटल है। ठीक है, तो प्लीज़ रिवाइंड कर लेना ये वीडियो और अच्छे से देख लेना, एंड ये सारे टॉपिक को अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपके मेजर चंक्स आएंगे। आगे मेरे और भी वीडियो आते रहेंगे, उसको भी आप अच्छे से देखो एंड उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को करो। ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन ऑल द डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक इट। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर टॉपिक रिलेवेंट रहेगा विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।